सो आप लोगों को वीडियो देख के पता चल ही गया होगा कि मैं कहाँ पर हूँ, क्योंकि जो लोकल से वो बिल्कुल ये जगह को जानेंगे और अच्छी तरह से जानेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल हिडन ब्यूटीज में आपका स्वागत करता हूँ। अभी मैं आ चुका हूँ खूंटी से 15 किलोमीटर दूरी और रांची से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह ये स्थित है। इसके जगह का नाम है सोनमेर, जो कि ये कर्रा के रोड पर स्थित है, साइड किनारे पर। तो इस जगह की खासियत यह है कि इसका मंदिर का जो है, जगह का नाम है सोनमेर और मंदिर का नाम है सोनमेर माता देवी, लाइक इस टाइप का सोनमेर टेम्पल इस टाइप का नाम है, या फिर सोनमेर मंदिर। सो इस जगह का खासियत यह है कि यहाँ जो भी मनोकामना ऐसे भक्तों द्वारा मांगी जाती है, तो आज तक ऐसा हुआ कि नहीं है कभी कि वो पूरा ना हुआ हो। बस इस जगह का ये बात है कि जैसे यहाँ जो है मनोकामना पूरा होने के बाद जो है, जो भी वहाँ लोग जैसे मनोकामना में अपने नाम पर रखते हैं कि अगर पूरा होता है तो कोई जैसे बलि दिया जाता है। रेयरली सबसे ज़्यादा यहाँ जो होता है ना, बकरे की बलि दी जाती है। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये एक जो है बकरे का जो है सिर काटा जाता है, और यहीं से सिर ले जा के माता के देवी के जो है मूर्ति में उसका खून जो है चढ़ाया जाता है। सो सोनमेर माता का जो है काफ़ी मतलब पुराना है, लाइक मैं आपको बता रहा हूँ ये लगभग 300 साल पुराना है। इस जगह का खासियत 300 साल पुराना होते हुए भी, और डेट जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 1917 की बात है, 1917 में, जो कि मैंने यहाँ के लोकल से पूछा था और कुछ गूगल किया था मैंने, तो 1917 ईस्वी में जो है यहाँ ये जो मूर्ति थी भगवान की, ये गांव में मतलब छोटे मोटे ऐसे जगह पे जो है गांव में कहीं पर थी। तो उसके बाद जो है एक दिगवंत चतुर नाम करके कोई थे यहाँ के पहान, या फिर पुजारी बोला जा सकता है, तो उनको जो है सपना में ऐसा कुछ आया कि मूर्ति को जो है पूजा पाठ किया जाए और एक जगह में रखा जाए अच्छी तरह से, उनका मतलब पूजा पाठ ऐसा सपना में उनको आने लगा था। तो फिर इस जगह का मतलब यहाँ पे सेंटर पॉइंट हो गया सोनमेर का, तो इस जगह पे एक पहाड़ सा है बहुत ऊंचा सा, और इसके किनारे तरफ जो है सारा गांव है। तो उसके वजह से जो है वो लोग मिल के जो है ना गाँव वाला के साथ सोच विचार करके इस जगह में 1917 में जो है यहाँ मंदिर बनवाए, उस मूर्ति को जो है स्थापित किया गया, उसके बाद अच्छी तरह से पूजा पाठ किया गया, उसके बाद धीरे धीरे लोग आने लगे, उसके बाद जो डोनेशन हुआ, जो फंड जमा हुआ, उसके बाद 1980 अभी लगभग आपका 44 से 45 साल पहले 1980 में जो है इस मंदिर का जो है निर्माण किया गया था। ये जो यहाँ अभी काफ़ी बहुत सारे मंदिर बन चुके हैं, बट ऐसा कुछ नहीं था एक समय 1980 में, एक छोटा मोटा सा नॉर्मल सा एक मंदिर था, बट अभी इतना डेवलप कर गया और इतने अभी लोग आ रहे हैं, जो कि आपको मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये पहले ऐसा कुछ नहीं था जो यहाँ लाइनिंग लगा हुआ है। ये इसलिए रेलिंग बनाया जाता है ना, ताकि लोग जो हैं सब स्टेप बाय स्टेप आए और जो भी होगा लाइनिंग बनेगा, ताकि एक आराम से आदमी आ सके। तो समझिए कि कितना आदमी आता है, ये ऐसा था नहीं, मैं बचपन से यहाँ पर आ रहा हूँ, और मेरी भी कोई घर की भी कुछ ऐसी ऐसी थी कि हमने मनोकामना ऐसा हमारा भी पूरा हुआ था और हमने भी ऐसा बकरा का बलि दिया था। तो बिल्कुल आप लोग भी विजिट कर सकते हैं एक बार, ये ऐसा कुछ भी है तो अपने हिसाब से आप यहाँ मनोकामना अपना रख सकते हैं। अब धीरे धीरे इसमें इतना ज़्यादा फंड जमा होने लगा और डोनेशन मिलने लगा है कि बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि एक समय आते थे तो एक बोतल पानी के लिए भी यहाँ सोचना पड़ता था, क्योंकि दुकान इतना जो आप देख रहे हैं इतना सारा दुकान यहाँ पे था नहीं, एक आध दुकान था जिसमें आपको प्रसादी के नाम पर वही नारियल वगैरह जो मिलता है वो नॉर्मल चीज़ था, और कुछ ऐसा था नहीं, एक बोतल पानी और आपका कुछ नाश्ता के लिए दिक्कत था यहाँ एक समय। बस आप आइए पूजा कीजिए और जो भी अपने हिसाब से, क्योंकि ऐसा कुछ साधन ही नहीं था, और अभी डोनेशन इतना मिल रहा है, फंड आ रहा है, और जो कि अच्छा है, भगवान का कृपा है और हमारे लोगों का भी जो भी मनोकामना पूरा हो रहा है, क्योंकि ऐसे ही आदमी लोग नहीं आ रहा है यहाँ, सबका पूरा हो रहा है, देवी माँ सबका पूरा कर रही है, तब जाके आ रहा है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, अगर आप लोग लोकल हैं तो प्लीज़ आप लोग आइए एक बार विजिट कीजिए, और जो भी अपना दुख है परेशानी है एक बार प्लीज़ माता के साथ शेयर कीजिए, आप लोग के साथ सारा चीज़ ठीक होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो फिर आप लोगों से मिलता हूँ किसी अन्य ब्लॉग पर, तब तक के लिए जय सोनमेर।